आज हमारे साथ हैं ओलंपिक में भारत की सबसे बड़ी मेडल की उम्मीद योगेश्वर दत्त। योगेश भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका NDTV में। किस तरह की तैयारी चल रही है फिलहाल ओलंपिक के लिए, क्योंकि पिछली बार भी आपने मेडल जीता था, क्या इस बार मेडल का रंग बदलेगा? ये बिल्कुल, और पिछली बार के बाद मेरा बस पूरा टारगेट है कि मैं देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड जीतूँ, क्योंकि जो एक मेडल जीतने का सपना था वो 2012 में पूरा हुआ। पर ये मेरा ये कि मुझसे संतोष नहीं हुआ, तभी मैं सोचा कि मेरे को यही मेरा एंड नहीं है, मेरे को और प्रैक्टिस करनी है और देश के लिए 2016 में गोल्ड जीतना है। और मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हुई और पूरे देशवासियों का इतना आशीर्वाद, इतना मान सम्मान दिया, इतना उम्मीदें हैं मेरी, ये है कि मैं देश के लिए गोल्ड जीतूँ और भगवान कर पाई तो इस बार देश को गोल्ड मिलेगा। अच्छा, पिछली बार जब आप ओलंपिक में गए थे आपने कहा था ये मेरा आखिरी ओलंपिक है, क्या इस बार भी ऐसा कोई टारगेट सेट किया है या अभी आगे और खेलने का है? नहीं, अभी मेरा लास्ट ओलंपिक है, मैंने बोला भी है कि क्योंकि 2000 इसके बाद 2020 काफ़ी टाइम है। आपको मालूम है ज़्यादातर रेसलर जो आपके खिलाफ ओलंपिक में उतरेंगे, तो क्या प्लानिंग की है आपने उन रेसलर्स के खिलाफ, क्या कैंची दाव इस बार भी चलेगा? देखिए, सभी पहलवान आपस में जानते हैं, पता है कुश्ती कौन कैसे लड़ता है, हम उनकी वीडियो भी देखते हैं, वो भी हमारे देखते हैं। ये है कि जिस दिन मेरी कुश्ती में जाओ उस दिन वो दिन मेरा हो और मैं उसके लिए जी जान लगा दूंगा जिस दिन मेरी कुश्ती, क्योंकि मेरी कुश्ती लास्ट वाले दिन 21 अगस्त को मेरी कुश्ती, और मैं इस बार कोई भी कमी कोई गलती नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इस बार देश को ओलंपिक गोल्ड दिलाऊं। पिछली बार कुश्ती ने 2 मेडल भारत को दिलाए थे और इस बार 8 पहलवान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए हैं, क्या लगता है कितने मेडल कुश्ती से आएंगे? देखिए, हमारे 2 मेडल थे, इस बार हम 2 से 3 या 4 के लिए जी जान लगाएंगे और हमारी पहलवान बहुत अच्छे हैं, संदीप तोमर भी है, नरसिंह यादव भी हैं, विनेश भी है, साक्षी भी है, पपीता भी है, ग्रीक कोरोम ने 2 पहलवान क्वालिफाई किया है, रविंदर ने और हरदीप ने, पूरी टीम बहुत अच्छी है। पर यह है कि हम 2 से 3 या 4 मेडल करेंगे, उसमें गोल्ड भी होगा। तो ये थे योगेश्वर दत्त, जिनका ये मानना है कि इस बार ओलंपिक में योगेश्वर दत्त की तरफ से भारत को गोल्ड मेडल मिलेगा। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नितिन भारद्वाज, इंडिया TV, दिल्ली।